दोस्तों, तभी मैं खेत में थी, घास काट रही थी। बहुत ज़्यादा मच्छर काट रहे हैं। समझ ही नहीं आ रहा था कि मच्छर मारूं या घास काटूं। बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे। धुआं भी जलाया था, तो मुझे ये वाला आइडिया ज़्यादा बेटर लगा। पर मैंने जहाँ पर इनकी ढेर लगाई थी मारने के बाद, तो वहाँ पर चींटियाँ इनकी 3-4 लाशें ले गई। और अब जैसे मैंने उनको अपने हाथ पर रखा, तो यहाँ पर इतनी सारी चींटियाँ आ गई। दूसरी चींटियों को बुला के लाए कि वहाँ पर मच्छरों की ढेर लगी है, चलो खाने चलते हैं। तो अब वो सारे में मच्छर ढूंढ रहे हैं। तो चलिए, इनका शायद डिनर का वक्त हो गया है। मैं इन्हें मच्छर खाने के लिए देती हूँ, शायद इनका पेट भर जाए। चलिए, मैं भी चलती हूँ अब घर। बहुत ज़्यादा मेरे पैर लाल हो गए, सूज गए, हाथ सूज गए, खारिश कर करके। बहुत बहुत काटा इन्होंने मुझे। अभी भी काटा आया। तो मैंने यहाँ पे मच्छर मार मार के रखे थे, और चिंटी चुरा के ले जा रही इनको। देखो, मैंने यहाँ पे मार मार के रखे थे, चिंटियाँ ले जा रही। चोर चिंटी, चोर 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 चिंटी चोर। अब भाई, मच्छर की ढेर लगाई मैंने, इन्होंने चोरी कर रही है मेरी। ये मच्छर मत मत, ये आज की मेहनत है। अभी भी आज मेरे मच्छर बैठा है। और ये देखो, बहुत सारी चिंटी बाकी छोटी दूसरी चिंटियों को बुला कर और मच्छर ढूंढ रही है। तो थोड़ी देर बाद मैं इनको डिनर करने के लिए दूंगी मच्छर अपने सारे। ये देखो, ये ले जा रही ढेर मच्छर। दे दूंगी, चलिए इनको हम डिनर देते हैं। ये लो डिनर, डिनर तुम्हारा। अभी एक एक मच्छर गायब हो जाएगा, फिर डिनर खाओ। हे, एक गया, चलो दूसरा। इधर भी एक भाई, चिंटियां कर रही है जुगाड़ रात का। चलो, किसी के काम तो आई है मरने के बाद। दूजा भी गया, त्रिज्या भी गया। टांगा गिरी मेरी लाल सारी, खाई खाई खून चूस सोने ने मेरा किलो था। कितना खून चूस सोने ने मेरा, कमजोर होना मुंगा काटी काटी। मच्छर चूस मेरा सारा खून ना रहे देने खाना, खुले ना रहे भी नहीं रहने खाना। लाल हुई सारी, खुरकी खुरकी। तो मौत मिले, ऐसी मौत ना मिले। जाओ, क्या हालत होगी इन मच्छरों की। सारी चिंटियाँ लग गई, दो मच्छर बचे हैं, दो डेड बॉडी बची हैं। वे कहाँ आपको दिखाई दे रही होनी, एक की यहाँ है, दूजी भी जा रही है। देखो भाई, देखो मौत का तमाशा, देखो मेरी हालत कर दी खराब है। पूरी टांग लाल हो गई, सुबह कट भी गई, मच्छर ने मुझे खाया तो मैं दराटी से खारिश कर दी और मेरे कट्टी पड़ गया। देखिए दोस्तों, ये सारा काम करते हैं लेकिन अभी भी कुंवारे हैं। कोई लड़की है इनके लिए तो बेचारे जैसे घास बांध रहे हैं। देखो कितनी मेहनत से काम करते हैं। कोई लड़की है शादी करे तो प्लीज़ ज़रूर हाँ करें। देखिए इतना घास बांधना है अभी इनको, अकेले है बेचारे। देखो कितनी मेहनत कर रहे हैं। मिल दे लाड़ी जरूर। ओ जंप मत कर, गिर जाएगा तू। इधर टिंडा ही रहे, कमजोर हो छोड़ी। फोन भी हम कुत्ते बच्चा लाई थी वाली अख भी है। ले आ जा, डरना नहीं, आ जाओ इधर ना, ऑक्सीजन जंप होनी। ऊपर जाऊंगी तो नीचे जाएगा। अंदर भाग, चुप 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 चुप। तो ये देखिए, कल हमने कितने पकौड़े डाले थे, कितनी बार लिखा, मिटाया, क्या क्या किया। फिर ये मैंने फिर घर आके लिखा था आराम से, जो मैंने लिखा था वैशाली वाला जो पार्ट था, वो वैशाली ने पहले हिंदी में लिखा, फिर उसने हिंदी में ट्रांसलेट किया। मैं यहाँ पे घास मिले चूहे के बच्चे, चूहा पता नहीं कहाँ, ये गलती से मम्मी से निकले, तो मैं दोबारा से इनको ढक के रखूँगी। तो आज फाइनली सिलेंडर मिल गया, वो भी बहुत मुश्किल से। बता हमें, मतलब मैं तो सिलेंडर लाने गई थी, भैया जिनके घर में मैंने रखा था वो बता गए थे सिलेंडर लाने, तो गाड़ी डाल के दूर दूर करो, गाड़ी ला के डाल के वहीं आए सिलेंडर, वो ख़त्म भी वहीं हुआ। आगे सिलेंडर आए नहीं, अगर मैं भी पिछली बार की तरह रोड में ही बैठी होती तो हो गया था, सिलेंडर नहीं मिलना था। क्योंकि अभी साझा आने वाला है अगले हफ्ते, तो उसके लिए फिर खाना बनाना पड़ता है, मेहमान आते हैं तो सिलेंडर तो चाहिए, क्योंकि ठंडी रोटी खानी पड़ती है आजकल। चूल्हे, अब चाय के साथ रोटी खानी हो तो गर्म करने के लिए, फिर इंडक्शन पे तो गर्म होगी नहीं, चूल्हा कौन चला, ठंडी रोटी। तो
ये मेरी दीदी है, ये भी चादर के ऊपर झाड़ू मार रहे हैं, और ये हमारे भाई भी चादर के ऊपर झाड़ू मार रहे हैं। चादर जो गाय है वो रखी नीचे जहाँ गाय वाली।